नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम अपनी एंसेंट हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्राचीन भारत के स्थापत्य कला, ठीक है, गुफा स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली हम स्थापत्य से संबंधित जो प्रश्न होंगे, जैसे कि कौन सी मंदिर कहाँ पे थी, जो शैलियां हैं नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, इनसे संबंधित कौन से मंदिर हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें, और साथ ही साथ, ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से मंदिर है, कहाँ पे संबंधित है, ठीक है, किसके शासन काल में या फिर किसके जो है राजवंश, किस राजवंश के द्वारा इन मंदिर स्थापत्य को बनाया गया था, ठीक है, या किससे संबंधित है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वो है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ राजवंशों के बारे में दिया हुआ है और पूछा है खजुराहो मंदिर। दोस्तों, खजुराहो मंदिर की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो मंदिर है कहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी छतरपुर जिले में, ठीक है, छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनको जो बनाया गया था वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, इन मंदिरों का जो निर्माण किया गया था वो चंदेल राजवंशों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और अगर हम यहाँ पे चंदेल राजवंश की बात करें, चंदेल, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी स्थापना की गई थी 831 में किया गया था, नन्नुक के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इनका बेसिकली जो जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, वो ध्यान रखिएगा वो था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे था। तो ये आधुनिक जो बुंदेलखंड है दोस्तों, आधुनिक बुंदेलखंड में जो है इनका केंद्र हुआ करता था, इस साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था, ठीक है, तो नन्नुक के द्वारा। और अगर आपसे और भी पूछा जाए दोस्तों, तो इन मंदिरों का जो निर्माण किया गया था, बेसिकली खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण कार्य किया गया था, इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 950 से लेकर के 1050 ईस्वी पूर्व के बीच का है, ठीक है। और इसमें भी जो इसमें खजुराहो मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो कंदरिया, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, जिसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों विद्याधर के द्वारा, ठीक है, विद्याधर के द्वारा जो है, विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि चंदेल वंश का शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों उसी से संबंधित, की किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। देखिए, वही प्रश्न घूम कर फिर से आ गया, और मध्य प्रदेश पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस राजवंश ने दोस्तों जो प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो हमने अभी आंसर देखा, चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है, चंदेल शासकों ने जो है प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का जो है निर्माण कार्य करवाया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है, तो ये पूछा है किस धर्म से संबंधित है खजुराहो के मंदिर, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से, जैन धर्म से। अच्छा, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ का जो है सबसे फेमस मंदिर था, ठीक है, जिसको जो है विद्याधर ने बनवाया था, चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। तो देखिए, हिंदू धर्म तो है, हिंदू धर्म से भी संबंधित है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें देखिए, ये जो खजुराहो के जो मंदिर है, इनमें जो समूह की बात करें तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का, ठीक है, निर्माण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये मंदिर जो है, जिसमें से अभी हमने बात किया शैव धर्म से, ठीक है, शैव शिव जी से है, ठीक है, बात करें वैष्णो से भी है, शैव से भी है, और किससे दोस्तों, शाक्त से भी है, ठीक है, और किसे, और बात करें जैन धर्म से भी संबंधित, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध यहाँ पे माफ करिएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो खजुराहो की मंदिर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की खजुराहो का, ठीक है, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है, तो किस देवता को समर्पित है खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर, विष्णु को है, शिव को है, सूर्य को है, या फिर पार्वती को है, बताइए खजुराहो का जो मांगतेश्वर मंदिर है किसको समर्पित है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, खजुराहो का जो मांगतेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये मंदिर बेसिकली दोस्तों जो धंग शासक था दोस्तों, धंग के काल में, ठीक है, धंग के काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है।
और किस शैली में किया गया था आपसे भी पूछा जा सकता है। तो नागर शैली में, ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में जो है नागर शैली फेमस थी, ठीक है। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था दंग के शासन काल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो बताइए खजुराहो में कौन सा नहीं, जैसा कि अभी हमने बताया 85 मंदिरों का समूह है दोस्तों खजुराहो में, ठीक है। और इसमें से कौन सा मंदिर नहीं, कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे फेमस है, हमने पहले इसके बारे में बात किया, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में बात किया, ठीक है, तो ये तो है ही है, ठीक है। 64 योगिनी दोस्तों, 64 योगिनी भी मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये भी है। दशावतार मंदिर, देखिए दशावतार मंदिर के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था दोस्तों, ये गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है, गुप्त काल में इसको जो है दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया था। कहाँ पे है ये दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये देवगढ़, ठीक है, ललितपुर जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है दोस्तों, ललितपुर में, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और यह मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये गुप्त काल में बनाई गई मंदिर है, ठीक है, गुप्तकालीन ये मंदिर है। और देखा जाए तो ये खजुराहो मंदिर में स्थित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर, ये सारे जो मंदिर हैं दोस्तों ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें दशावतार मंदिर की अन्य विशेषताओं के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये भारतीय मंदिर जो निर्माण है उसमें पहला जो है शिखर का उदाहरण है। तो पहला जो है शिखर का उदाहरण हमें किसमें देखने को मिलता है, तो दशावतार के मंदिर में देखने को मिलता है, ठीक है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर जिले में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमने बात कर लिया, ठीक है, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, कंदरिया महादेव का मंदिर, ये सब खजुराहो मंदिर में स्थित है, ठीक है। अगला है मोरेना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि 64 योगिनी मंदिर देखिए खजुराहो में ही स्थित है, और मोरेना भी दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है मोरेना, ठीक है, और मोरेना में जो है मोरेना जिला है दोस्तों मध्य प्रदेश का, और उसी वहीं पर स्थित है ये 64 योगिनी मंदिर। और इसी 64 योगिनी मंदिर की विशेषताएं जो है यहाँ पे पूछी जा रही है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे दिया है कि यह, ठीक है, कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, क्या ये बात सही है, ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करते रहिए साथ में। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन मंदिरों का जो निर्माण किया गया था, ठीक है, वो कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में दोस्तों इन मंदिरों का जो है निर्माण किया गया था, और जो है किसके द्वारा किया गया था, तो देवपाल के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, देवपाल जो शासक था, ठीक है, कच्छप घाट राजवंश का जो शासक है देवपाल, उसके शासनकाल में जो है इन वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह मंदिर भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिएगा भारत में जो है वृत्ताकार मंदिरों की संख्या कम है, लेकिन ये एकमात्र मंदिर नहीं है, और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, वृत्ताकार मंदिरों के, तो ये भी इनकरेक्ट है। देखिए यहां से इलिमिनेशन मेथड निकालिए, क्योंकि दूसरा इनकरेक्ट हो गया, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमें करेक्ट आंसर मिल गया दोस्तों 1 और 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर हम तीसरे की भी ऑप्शन की बात करें तो इसका इस जो है ये 64 योगिनी जो मंदिर है इस क्षेत्र में विष्णु पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देता है। तो ध्यान रखिएगा विष्णु पूजा पद्धति को नहीं प्रोत्साहन देता है, ये शैव पूजा पद्धति को, ध्यान रखिएगा ये शैव पूजा पद्धति के जो है पद्धति को प्रोत्साहन देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। तो ऐसा कई सारे विद्वानों का मानना है कि ये जो डिजाइन है इस 64 योगिनी मंदिर का जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं इससे जो है ये जो हमारी संसद भवन जो बना है उसका भी जो है डिजाइन इससे प्रेरित होकर के इसके डिजाइन को बनाया गया था। तो ये बात सही है बिल्कुल कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए ये प्रेरणा का स्रोत रहा है, ठीक है। तो ये आईएएस देखिए प्री में ये क्वेश्चन पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ देखिए, ठीक है, मंदिर दिया है, स्तूप दिया है, एक तरफ दिया गया है वो कस स्थान से संबंधित है। स्तूप देखिए ध्यान रखिएगा सांची का स्तूप है, ठीक है, अशोक के काल में बनवाया गया था मध्य प्रदेश के, ठीक है, रायसेन जिले में सांची का स्तूप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही चित्रकारी के लिए कौन सा फेमस है दोस्तों, देखिए यही से एलिमिनेशन मेथड लगाइए, हमने बात किया पहले का 2 है, ठीक है, पहले का 2 है दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही आंसर मिला, देखिए तुरंत आंसर पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे समय बच जाता है ऐसी चीजों में। चित्रकारी के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा बाघ, ठीक है, बांध नहीं, यहाँ पे बाघ की गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा बाघ की गुफाएं जो होती है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, यहाँ बांध लिख गया, ये बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाघ की जो गुफाएं हैं वो चित्रकारी के लिए फेमस है, ठीक है। वही कनिष्क की सिर्वहीन मूर्ति की बात करें तो मथुरा, हमने आपसे बात किया था दोस्तों, मथुरा को जो है दूसरी राजधानी बनाया था, पहली राजधानी कनिष्क की क्या थी, पुरुषपुर थी, दूसरी राजधानी उसने मथुरा को बनाया था, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, ठीक है, मौर्य उत्तर काल में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, और कनिष्क के ही शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडल ग्राम में आयोजित की गई थी, और इसी की एक हमें मूर्ति मिली है जो कि सिर्वहीन मूर्ति है, एक बड़े बड़े जूते पहने हुए है, ठीक है। तो ये जो है सिर्वहीन मूर्ति जो मिली है ये हमें मथुरा से मिली, और दशावतार मंदिर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, दशावतार मंदिर की बात करें तो देवगढ़ में है, ललितपुर जिले में है, और भारत में देखा जाए भारतीय जो है मंदिर स्थापत्य में, ठीक है, पहला जो है शिखर युक्त मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण है, और ये यूपी आरओ, ठीक है, आरओ एआरओ मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की जो है घोषणा की जाती है, और इसमें से जो है कौन सा जो है धरोहर जो है वो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है खजुराहो का मंदिर है, दूसरा भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप है, मांडू का महल है, चौथा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ध्यान रखिएगा मांडू के महल की बात करें दोस्तों तो ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, बाकी खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। वही बात करें भीमबेटका की गुफाएं जो कि सबसे प्राचीन, ठीक है, गुफा स्थापत्य का हमें चित्रकारिता का, ठीक है, एक तरीके से चित्रकारिता भित्ति चित्रकारिता का सबसे प्राचीन उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है वो भीमबेटका की गुफाएं है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में अशोक के समय में बनवाया गया था जिसे हम देखते हैं, सांची का स्तूप वो भी हमने विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब आपका वर्क हमें ये बताना है, ठीक है, कि अब आप मुझे बताइए कि किस वर्ष में, ठीक है, खजुराहो के मंदिर को किस वर्ष में, भीमबेटका के मंदिर को किस वर्ष में, और सांची के स्तूप के मंदिर को किस वर्ष में, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला जो है स्वतंत्र आधार यानी कि चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, क्या ये बात सही है, देखिए हमें यहां से सही स्टेटमेंट को चुनना है, ठीक है। तो स्वतंत्र आधार की बात किया जाए तो मंदिरों के उद्भव काल जो है कब माना जाता है, गुप्त काल में। देखिए मंदिरों के निर्माण की भी बात किया जाता है तो गुप्त काल में कहा जाता है कि मंदिरों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया था, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ठीक है, स्वतंत्र आधार के जो मंदिरों का उद्भव माना जाता है दोस्तों ये हमें गुप्त काल से ही माना जाता है, ठीक है, जो प्रारंभिक मंदिर थे। वही बात करें दोस्तों, ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा लाड़ंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी जो है बादामी के चालुक्य, हमने आपसे बात किया था बादामी के चालुक्यों की जो शाखा थी दोस्तों जिसे हम वातापी कहते थे, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे, पुलकेशिन द्वितीय इसी का शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में हमें ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है, और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रारंभिक मंदिर है जो कि बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, ठीक है। वही बात करें खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या आपसे पूछा जाए सही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है, तो देखिए मंदिर का दोस्तों ये शिखर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो शिखर होता है मंदिर का ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो है उत्तर भारत में नागर शैली फेमस थी, दक्षिण भारत में दोस्तों ध्यान रखिएगा द्रविड़, ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो कि मंदिर स्थापत्य कला की शैली है, वहीं हम बात करें मध्य भारत की बात करें तो बेसर शैली जो कि
द्रविड़ और नागर शैली का मिला जुला रूप हुआ करती थी, ठीक है। ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये बेसर शैली फेमस थी। तो चूंकि पूछा कि किसकी शैली, जो कौन से मंदिर है जिसका जो है शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ था, भीतरगांव का मंदिर था, ग्वालियर का तेली मंदिर था, कंदरिया महादेव का मंदिर था, या फिर ओसिया का मंदिर था, ठीक है। देखिए भीतरगांव का मंदिर की बात करें दोस्तों, तो ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, कानपुर का ये मंदिर है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ठीक है। और इस तेली मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो किसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पता नहीं है कौन था, तो ये किसी तेलंगानी जो है, यहाँ पे तेलंगानी ब्राह्मण था, ठीक है, तेलंगानी ब्राह्मण के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था, ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसके शिखर की बात करें दोस्तों तो ये द्रविड़ शैली में, ठीक है, इस मंदिर का जो शिखर है द्रविड़ शैली में। और बल्कि जो इस मंदिर की जो नक्काशियां हैं, ठीक है, नक्काशियों की बात करें, ठीक है, इस मंदिर की मूर्तियों की जो बात करें, ठीक है, जो मूर्तियां हैं वो जो है उत्तर भारतीय शैली में निर्मित है, ठीक है, उत्तर भारतीय शैली में, ठीक है, निर्मित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर भारतीय शैली में निर्मित है, ठीक है। और यहां पे जो है इसकी जो वास्तु शैली है, ठीक है, इसकी वास्तु शैली की बात करें, ये जो ग्वालियर का तेली मंदिर है इसकी जो वास्तु शैली की बात करें तो ये हिंदू और बौद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का, ठीक है, हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का, ठीक है, मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कंदरिया महादेव का मंदिर हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया, कहाँ पे दोस्तों, खजुराहो में स्थित है, ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, कंदरिया महादेव, ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें, कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि महादेव से संबंधित, आपको पता ही चल गया होगा, शिव मंदिर है, ठीक है, ये शिव मंदिर है, ठीक है, इसका जो निर्माण, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के मध्य प्रदेश में। और ये किसके समय में बना था दोस्तों, हमने ये भी बात किया, विद्याधर के समय में, ठीक है, विद्याधर जो कि चंदेल शासक है दोस्तों, चंदेल शासक विद्याधर के समय में, ठीक है, चंदेल शासक विद्याधर के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक जो है बौद्ध गुफाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किस केंद्र में, ठीक है, किस एक केंद्र में, यहाँ पे देखिए सारी गुफाएं हैं जिसमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पूछा है, किसमें, अजंता में, कार्ले में, कन्हेरी में, या फिर राजगिरी में है, ठीक है, राजगिरी में तो नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, कन्हेरी की गुफाओं की बात करें दोस्तों, कन्हेरी की गुफाओं में जो है 100 से अधिक, ठीक है, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। कन्हेरी की गुफा स्थित कहाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में, देखिए अजंता भी महाराष्ट्र में है, ठीक है, अजंता भी है, कार्ले भी है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई शहर में, ठीक है, मुंबई शहर के पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिमी में, जो पश्चिमी वाला भाग है वहां पे दोस्तों एक पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है, उसी राष्ट्रीय उद्यान के जो जंगल है उसी के भीतर ये कन्हेरी की गुफाएं जो है स्थित है। और इनमें जो है लगभग कितनी गुफाएं उपलब्ध है दोस्तों, तो 109 गुफाएं जो है उपलब्ध है, 109 गुफाएं उपलब्ध है, ठीक है। और इन गुफाओं की बात करें दोस्तों तो इनका जो निर्माण कार्य किया गया था वो लगभग जो किया गया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में किया गया था, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय जो है इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इन गुफाओं में जो अधिकांश गुफाएं हैं वो बौद्ध मठ से संबंधित है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है किससे संबंधित है, किस धर्म से, तो बौद्ध मठ, जैसा कि यहाँ पे बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध मठ से संबंधित है। और जो कि किससे है, जो बौद्ध मठ थे तो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके निवास स्थान है, उनका अध्ययन केंद्र हुआ करता था, उनका ध्यान केंद्र जो है यहाँ पे हुआ करता था, तो 109 गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है, ठीक है, तो आबू का जैन मंदिर यहाँ पे पूछा है किससे बना हुआ है, किस पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों आबू का जैन मंदिर जो कि आपको पता है माउंट आबू, यानी कि यहाँ पे राजस्थान में ये स्थित है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में ये स्थित है। और ये किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, या संगमरमर से, ये पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है आबू का जैन मंदिर, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, ठीक है, जो सोलंकी शासक थे, ठीक है, गुजरात के चालुक्य, ठीक है, जिसे हम सोलंकी कहते हैं, ठीक है, सोलंकी शासक थे, ठीक है, शासक भीम प्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भीम देव प्रथम के जो है, ध्यान रखिएगा, सामंत थे या फिर मंत्री थे जिसको कह सकते हैं मंत्री, ठीक है, जिनका नाम था बीमल शाह, ठीक है, किसके द्वारा, बीमल शाह के द्वारा जो है
बीमल शाह के द्वारा इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था, आबू के जैन मंदिर का निर्माण, ठीक है, जो कि संगमरमर का बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट, ठीक है, पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है। तो यहाँ पे पूछा है, देखिए शहरों के नाम दिया हुआ है और पूछा है कि किस शहर के निकट जो है पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है, भावनगर, माउंट आबू, नासिक या फिर उज्जैन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो भावनगर, ठीक है। भावनगर जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में स्थित है और गुजरात के जो है भावनगर में पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे, गुजरात में भी एक पहाड़ी है दोस्तों जिसका क्या नाम है दोस्तों, ठीक है, शत्रुंजय, ठीक है, शत्रुंजय पहाड़ी जो है वहां पे ये स्थित है, ठीक है। और ये जो है किससे संबंधित है, ये मंदिर किसको समर्पित है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर जो माने जाते हैं, ठीक है, जो प्रथम तीर्थंकर हैं दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों, ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, आदिनाथ, ठीक है, जिसे हम ऋषभदेव कहते हैं, ठीक है, ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है, ठीक है। तो पालीताड़ा का मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों, भावनगर गुजरात में, ठीक है, शत्रुंजय पहाड़ियों पर ये मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो निम्नतः देखा जाए किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं अगर दोस्तों बात की जाए तो कहाँ स्थित है ये एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों ये गुफाएं जो है। और इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों वो ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, जो राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और बेसिकली बात करें दोस्तों इन मंदिरों का जो था सात गुफाएं थी, इन मंदिरों में जो है सात गुफा मंदिर है, ठीक है, और जिसमें से जो पांच की बात करें तो पांच गुफा जो मंदिर है वो हिंदू धर्म बेसिक जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, मुख्यतः देखा जाए शिव को समर्पित है, और जो दो गुफाएं हैं दोस्तों वो बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। तो चूंकि बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में कि मुख्यतः किसके लिए जो है किस धर्म को, तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा ये जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा शैव धर्म को, ठीक है, क्योंकि पांच गुफा जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है, तो शैव धर्म के जो मतावलंबी हैं उनके उपयोग के लिए ये काटकर बनाई गई थी, ठीक है, बेसिकली। और अगर ये कब बनाई गई थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों वो पांचवीं से, ठीक है, ध्यान रखिएगा पांचवीं से छठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और अगर हम बात करें इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो त्रिमूर्ति शिव की मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, त्रिमूर्ति शिव की जो मंदिर है वो सबसे फेमस है। एलिफेंटा की गुफाएं और क्या है दोस्तों इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इस एलिफेंटा की गुफाओं को, ये जो एलिफेंटा जो क्षेत्र है दोस्तों महाराष्ट्र में, इसको ध्यान रखिएगा धारापुरी के भी नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है, किस नाम से, धारापुरी, तो इसको धारापुरी की गुफाएं भी कहा जाता है, धारापुरी की गुफाएं भी इसको कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। देखिए अभी आपसे पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, तो ये सब ध्यान रखिए। और जो मैंने आपसे पूछा है कि भैया बताइए भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, खजुराहो टेम्पल, इन सबों को किस वर्ष जो है शामिल किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि कभी कभी सिक्वेंस भी पूछ देता है कि सबसे पहले किसे शामिल किया गया, सबसे रिसेंट में किसे शामिल किया गया, ये सब पूछा जाता है। तो 1987 में यूनेस्को की जो यूनेस्को में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक, देखिए फिर से क्वेश्चन एलिफेंटा गुफा से रिलेटेड पूछा है, और देखिए जो प्राचीन स्मारक है वो किससे संबंधित है, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, किससे संबंधित है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा ये बौद्ध से संबंधित है और शैव से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध और शैव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सात जो है गुफा स्थापत्य है जिसमें से पांच गुफाएं जो है वो हिंदू
धर्म से संबंधित है। बेसिकली देखा जाए तो शिव जी को समर्पित है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, त्रिमूर्ति शिव, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। त्रिमूर्ति शिव की जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है, यहां से ही त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति जो शिव की है वो प्रतिमा प्राप्त हुई है यही से, एलिफेंटा की गुफाओं से ही, और ये बेसिकली बौद्ध और शैव धर्म को जो है ये गुफाएं समर्पित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल्य को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध शैल जो गुफाएं हैं, जो मंदिर हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध शैल मंदिर हैं, उनको जो है किसके द्वारा जो है बनाया गया था, ये किसका श्रेय जाता है, किसको जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, चालुक्यों को जाता है, ठीक है, चोलों को जाता है, पल्लवों को जाता है, या फिर राष्ट्र को। देखिए चालुक्यों की जो शाखा थी ये नहीं, चोलों की जो शाखा थी दोस्तों आपको ये बात पता ही होगी, चोल बेसिकली देखा जाए जो किस क्षेत्र में शासन करते थे, ये आंध्रा वाले, ठीक है, और ये तमिलनाडु के उत्तरी वाले क्षेत्र पे चोल साम्राज्य था। पल्लव की भी बात की दोस्तों तो कांची के पल्लव यही ज्यादा क्षेत्र था। राष्ट्रकूट जो थे दोस्तों वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बेसिकली शासन करते थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब वातापी और बादामी के चालुक्यों का अंत होता है तो राष्ट्रकूट शाखा जो है वो स्थापित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रकूटों को श्रेय दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सेल जो है चित्र को बनाने का, जो एलिफेंटा, ठीक है। और इन्होंने ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ने ना सिर्फ एलिफेंटा की प्रसिद्ध सेल को काट करके, ठीक है, मंदिर बनवाया था, बल्कि एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण का श्रेय जो है राष्ट्रकूटों को जाता है। एलोरा की, ठीक है, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है, मंदिर है, और ये ध्यान रखिएगा इसी का शासक कृष्ण प्रथम दोस्तों, कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम जो है उससे जाता है, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर दोस्तों डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। देखिए अभी हमने आपसे बताया कि भाई त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा हमें किस गुफा से मिली है, एलिफेंटा की गुफाओं से मिली है, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं से हमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। तो इसमें से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा की गुफाएं। बार बार देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है, तो ये आपको बताता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है प्रश्न बार बार रिपीट करके आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। तो देखिए बात करें, देखिए गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन अगर गुफा चित्रांकन के उदाहरणों की बात करें तो केवल केवल हमें जो है गुप्त काल के दो जो है गुफा चित्रांकन के उदाहरण मिलते हैं। एक तो अजंता की गुफा के बारे में, ठीक है, और दूसरा कौन सा है गुप्तकालीन जो है गुफा चित्रांकन। तो ये ध्यान रखिएगा बाघ की गुफाएं, ध्यान रखिएगा जो बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाघ की गुफाएं। तो इन गुफाओं की जो है, अगर हम बात करें इन गुफाओं का जो है विषय क्या था दोस्तों, जो चित्र था वो ध्यान रखिएगा लोक जीवन से संबंधित था, ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा लोक जीवन से संबंधित जो है इनसे संबंधित है। अजंता किसकी दोस्तों, बात करते हैं किसकी, बाघ की गुफाओं का, ठीक है, बाघ की गुफाओं का जो है अगर हम बात करें, ये गुप्तकालीन गुफा है और इसके जो विषय वस्तु है वो लोक जीवन से संबंधित है। वही अजंता गुफा के जो चित्र है दोस्तों वहां पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये बौद्ध धर्म से, ये भी जो अजंता की गुफाएं हैं ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें, ठीक है, देता है, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, ये किससे है, बौद्ध धर्म। वही देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिख रहा है लोमस ऋषि की गुफा, ठीक है, देखिए लोमस ऋषि की गुफा दोस्तों ये जो है मौर्यकालीन गुफा है, ठीक है, मौर्यकालीन गुफा है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, जो बराबर की पहाड़ियों को काट करके, ठीक है, तीन गुफाओं को जो है किसके द्वारा, अशोक के द्वारा जो है आजीविका संप्रदाय के जो है लोगों को उसने दान दिया था, जिसमें से एक लोमस ऋषि की गुफा है, और ये है कहाँ दोस्तों, तो बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में है, बिहार के जहानाबाद जिले में ये स्थित है, ठीक है, लोमस ऋषि, ठीक है। नासिक की गुफाएं दोस्तों, नासिक की गुफाएं दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नासिक की गुफाएं नासिक महाराष्ट्र में है, और ये जो है महाराष्ट्र में है, और अगर हम बात करें ये सातवाहन काल में बना था, ठीक है, सातवाहन काल में ये जो गुफा बनी थी, ठीक है, हमने बताया था सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी, ठीक है। अगला है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलीकृत गुफा कहाँ है।
प्राचीनतम जो है शैलीकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। चलिए जिन्हें आंसर पता है आंसर करें, मैं देख रही। तो यह पश्चिमी जो है भारत, यानी कि पश्चिमी भारत की दोस्तों बात करें तो अभी तक हम लोगों ने बात क्या किया, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ कर्नाटक, गोवा, ठीक है, यहाँ पे फिर केरला। लेकिन अभी तक हमें जो जो है गुफाओं के बारे में बात करें तो जो ज्यादा जानकारी मिलती है वो महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र में ही आपके देखिए नासिक है, अलोरा है, अजंता है, ठीक है। तो ये गुफाएं जो है ध्यान रखिएगा, ये प्राचीनतम शैलीकृत गुफाएं हैं जो पश्चिमी भारत में स्थित है, ठीक है। जिसमें से हम एलोरा की बात करें दोस्तों, एलोरा की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, एलोरा में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो है कितनी इसमें गुफाएं, इसमें 34 गुफाएं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों ही गुफाएं हैं दोस्तों कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, अभी मैंने बताया, ठीक है। 34 गुफाएं हैं, और ये 34 गुफाएं किससे संबंधित है तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदू, ठीक है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। वही नासिक की गुफाओं की बात करें तो ये जो है बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, ये बौद्ध गुफाएं हैं, ये बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। और इन गुफाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको पांडवलेनी कहा जाता है, ठीक है, पांडवलेनी की गुफाएं कहा जाता है, ठीक है। वही अजंता की गुफाओं की दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, भाई कितनी गुफाएं हैं अजंता की गुफाओं में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अजंता की गुफाओं में दोस्तों ध्यान रखिएगा 29 गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाओं को 1983 में दोस्तों की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एलोरा की गुफाओं में हमें तीन धर्म, ठीक है, हिंदू, जैन और बौद्ध मिलता है, 34 गुफाएं हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नासिक की गुफाएं, ठीक है, जो कि बौद्ध गुफा है, और ये ध्यान रखिएगा, ये पांडवलेनी के भी नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, 29 गुफा है इसमें, ठीक है, 29 गुफा है, ठीक है, जिसमें जिसको देखा जाए तो 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो बताइए कौन सा प्रसिद्ध है। देखिए खजुराहो के मंदिर के बारे में तो हम लोगों ने अभी बात किया, देखिए शैव धर्म से ज्यादातर संबंधित है, तो यहाँ पे जो है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा है, अजंता है, एलिफेंटा है दोस्तों, किससे संबंधित है, तो अजंता, ठीक है। तो यहाँ गुफा की बात कर रहा है, ठीक है, नहीं तो नालंदा भी बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित है, तो ये बौद्ध गुफा, ठीक है। तो अजंता की बात करें दोस्तों तो ये जो है पूरी तरीके से, ठीक है, जो है बौद्ध गुफा मंदिर है अजंता। और वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, एलिफेंटा की गुफा, देखिए यहाँ पे एलिफेंटा भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये जो बात करें ये अपने शैव मंदिरों के लिए, जैसा कि हमने बात किया था 7 मंदिर था जिसमें जो 5 जो प्रसिद्ध था वो शैव मंदिर का था, त्रिमूर्ति जो प्रतिमा भी हमें मिला है शैव मंदिरों के लिए ज्यादातर प्रसिद्ध है, ठीक है। खजुराहो की बात करें, देखिए यहाँ पे खजुराहो भी आ गया, बेसिकली देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर था, तो आप यहां से भी लॉजिक लगा सकते हैं, शिव है, ठीक है, वैष्णो है, वही बात करें वैष्णो है, ठीक है, वही बात करें जैन मंदिर जो है, ये सब क्या है, ये सब यहां स्थित है। और नालंदा दोस्तों, नालंदा की बात करें तो ये एक शिक्षा केंद्र हुआ करता था, ठीक है, बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र हुआ करता था, ना कि ये गुहा मंदिर हुआ करता था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलो अगला है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था, पल्लों ने कराया था, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने, तो किसने करवाया था दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो राष्ट्रकूट शासकों ने दोस्तों एलोरा गुफाओं का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ठीक है, एलोरा की गुफा कहाँ पे है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कहाँ है दोस्तों, औरंगाबाद जिले में है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। और ये गुफाओं की बात करें दोस्तों तो ये अपने शैलीकृत स्थापत्य के लिए बहुत फेमस है, और अलोरा की गुफाओं को दोस्तों 1983 में, ठीक है, कब दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। अगला है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आपको सही कथन बताना है कौन सा है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलीकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी।
एलोरा में गुफाएं विभिन्न जो है धर्मों के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो बादामी की गुफाएं, ये भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं, बिल्कुल गलत है ये दोस्तों। बादामी की गुफाएं जो है प्राचीनतम जो है अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो देखिए यहां से इलिमिनेशन मेथड लगाई, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। दूसरा, बराबर की शैलीकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोत्र यानी कि अशोक जो है दोस्तों, अशोक के द्वारा जो है बराबर की पहाड़ियों को काट करके, ठीक है, तीन गुफाओं को, जो तीन गुफाएं कौन थी तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी थी, कर चौपाड़ थी, ठीक है, कौन कौन सी थी, कर चौपाड़, ठीक है। दूसरी कौन सी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विश्व झोपड़ी, ठीक है, विश्व झोपड़ी, ठीक है, विश्व झोपड़ी। और तीसरी क्या होती है, सुदामा गुफा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुदामा गुफा, ठीक है, सुदामा गुफा। इन तीनों को जो है अशोक के द्वारा क्या किया गया था, आजीविका संप्रदाय के जो वो थे, भिक्षु थे, उनको जो है दान में दिया गया था, ठीक है। और वही बात करें दोस्तों, एलोरा में जो गुफा है वो विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखिए दूसरा भी गलत हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो हमें मिल गया दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट सही है। तो ये विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, जैसा कि हमने बताया कि जो है एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिले में है। इसमें कितनी गुफाएं दोस्तों, 34 गुफाएं हैं, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन कौन सी गुफाएं किसको किसको समर्पित है, तो गुफा नंबर 1 से 12 की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। वहीं 13 से लेकर के दोस्तों किसकी बात करें, 13 से 29 की बात करें, ठीक है, 13 से 29 तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। वहीं जो है 29 से लेकर के 34 की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एलोरा में जो है गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर है, बौद्ध और जैन दोनों के, हिंदू जैन के, या फिर हिंदू और बौद्ध और जैनों के। देखिए अभी हमने बताया कि 34 गुफाओं में से गुफा नंबर 1 से लेकर के 12 जो थी वो बौद्ध से संबंधित थी, 13 से लेकर के 29 जो गुफाएं थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थी, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों 30 से लेकर के 34 जो गुफाएं थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो जैन धर्म से संबंधित थी। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 30 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 कर लीजिएगा, ठीक है, 30 है, ठीक है, गुफा नंबर 30 से लेकर के 34 की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो बताइए कौन सा यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है। टटीय मंदिर है मामलमपुरम का, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर का, कैलाश मंदिर है एलोरा का, जगन्नाथ मंदिर है पुरी का। तो बताइए कौन सा उदाहरण है जो कि एक शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि कैलाश मंदिर, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है दोस्तों, ये शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है, ठीक है। और ये चूंकि द्रविड़ शैली का ये प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, कैलाश मंदिर जो जो कौन सी शैली में बना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर है, द्रविड़ शैली में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, ये राष्ट्रकूट शासक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक है, मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है, किसने जो है, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, कृष्ण प्रथम के समय में, ठीक है, ये मंदिर जो है बनवाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो इसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राजेंद्र, ठीक है, राजराज प्रथम के द्वारा, चूंकि राजा चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम, उसके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, किस वंश ने करवाया था। अभी अभी देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था, कौन से शासक ने किया था एलोरा के, ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, कृष्ण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आप देख सकते, देखिए कैसे चीजों को रिपीट किया जाता है बार बार, ठीक है। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश है कौन है दोस्तों, देखिए फिर उसी को घुमा करके ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ये जो शिव मंदिर है एलोरा का, जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, जो कि शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है,
इसको जो किसने किस राष्ट्रकूट नरेश ने इसका निर्माण करवाया था, दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने या फिर गोविंद तृतीय ने? और अभी मैं चिल्ला चिल्ला के आपके सामने ये बात बोली भैया, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अच्छा सुनिए, आप लोग बहुत ज्यादा इसमें इन डेप्थ जाने की कोशिश मत करिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वो आपका टाइम किल होगा क्योंकि इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा आपको, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें यह सब पूछ देता है बेसिकली कि नागर शैली द्रविड़ शैली में क्या अंतर है, शिखर के उदाहरण कौन से हैं, तो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के, ठीक है, पढ़ना होगा उसके बारे में। तो वो आर्ट एंड कल्चर की जब क्लास चलेगी तो उसमें आपको बेसिकली सारी चीजें बताई जाएंगी। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको उन्हीं सब क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ना है कि आपको प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो किस धर्म को था? अभी देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया, देखा बौद्ध, जैन, चिकित्सा और शाक्त। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जैन धर्म को, ठीक है, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो राष्ट्रकूट शासक थे वैसे तो जो थे, बात करें ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ब्राह्मण धर्म का जो बहुत महत्व था राष्ट्रकूटों के समय में, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा संरक्षण दिया दोस्तों ब्राह्मण धर्म की तुलना में, वो जैन धर्म को ज्यादा संरक्षण दिया। अगर हम बात करें, एक राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों, ठीक है, एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम है अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक था, और अमोघ वर्ष के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो इसके दरबार में एक जैन, ठीक है, जैनाचार्य रहते थे, ठीक है, जैनाचार्य रहते थे जिनका नाम था जीनसेन, ठीक है, जीनसेन रहा करते थे, ठीक है, जीनसेन रहते थे, ठीक है, और इन्होंने ध्यान रखिएगा आदि पुराण की रचना की थी, ठीक है, आदि पुराणों की रचना की थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो जो शासक थे राष्ट्रकूट शासक, उनके दरबार में भी जैन जो है मतावलंबी या फिर जो है आचार्य रहा करते थे, जिसमें से एक जैनाचार्य जीनसेन जो थे अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना किया था जो कि जैन धर्म। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट जो कि भले ही, ठीक है, बहुत ब्राह्मण धर्म के एक जो शासक हुआ करते थे, लेकिन बेसिकली इन्होंने सबसे ज्यादा संरक्षण जो दिया वो जैन धर्म को दिया था। ठीक है, यहां तक कि इनके जो इनके समय की बात करें तो जो शासक, जो सामंत थे, ठीक है, और जो सेनापति के पदों पर भी बहुत सारे जो जैन धर्मानुयायियों को, जैन धर्म को जो मानने वाले थे, उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, तो किस नगर में स्थित है दोस्तों? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, ये सारे जो नगर दिए गए महाराष्ट्र के दिए गए, यहां से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इन गुफाओं की बात करें, जो पर्वत, बड़े बड़े पर्वत थे, पर्वत शिलाओं को खोद कर जो है इन भवनों का निर्माण किया गया था। ठीक है, एलोरा का, इसी में ध्यान रखिएगा, एलोरा के अगर हम बात करें, कैलाश मंदिर भी बहुत फेमस है। ठीक है, और इनका जो निर्माण भी कराया गया था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर था, राष्ट्रकूट नरेश जो थे, ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत जो कि फेमस है, और देख रहे होंगे आप लगातार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो औरंगाबाद जिले में, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ देखिए गुप्तकालीन मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है कहाँ पे है। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था देवगढ़ का, ठीक है, दशावतार मंदिर, जो कि भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर का सबसे पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे दोस्तों? ललितपुर जिले में है। तो क्या हमें दूसरे का दूसरा कहीं मिल रहा है? हाँ जी, पहले और दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर, ये हटा दीजिए, अब हमें या तो ए और बी। सबसे पहले ईटों का मंदिर हमें कहां पे निर्मित मिला है दोस्तों? ईटों का मंदिर, तो ये भीतर गांव, ठीक है, कानपुर के भीतर गांव में ईटों से बने जो है मंदिर का जो है उदाहरण मिलता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमें मिल गया बी। ठीक है, शिव मंदिर की बात करें दोस्तों, शिव मंदिर कहाँ है? तो भूमरा का शिव मंदिर है, माफ करिएगा, भूमरा का शिव मंदिर है। और विष्णु मंदिर की बात करें दोस्तों, तो एरड़ का, ठीक है, विष्णु मंदिर है। इसको रुकिए, हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, क्लीन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों, तो ठीक है, यहाँ पे जो है ईटों का जो निर्मित मंदिर है दोस्तों, वो कौन सी है दोस्तों? भीतर गांव का मंदिर है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का है, भूमरा का शिव मंदिर है, और विष्णु का मंदिर जो है एरड़ में है। ठीक है, एरड़ मध्य प्रदेश में, ठीक है, विष्णु मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित
भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं शती से लेकर के 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है, पहला सही है, दूसरा या सब सही है, बताइए कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। अगर हम बात करें दोस्तों भीतरगांव के मंदिर की बात करें दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कानपुर जिले में स्थित है भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये भीतरगांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया गया था ये 5वीं से लेकर के, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय हुआ था। और इस मंदिर का जो निर्माण काल था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये समय किसका है, गुप्त काल का। तो गुप्त काल के समय में जो है इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो ईंटों के, ठीक है, वर्गाकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पे, ठीक है, ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पे जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और मंदिर के भीतर की बात करें जो स्थित गर्भगृह है जहां पे भगवान जी रखे जाते हैं उन पर जो है उसके ऊपर एक पिरामिड नुमा शिखर भी बनाया गया था, ठीक है, पिरामिड नुमा शिखर भी बनाया गया था। और इस मंदिर की शैली क्या है दोस्तों, तो ये नागर शैली में स्थित है, ठीक है, नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों सही है, ठीक है। अजंता की कला को इसमें से किसे प्रश्रय दिया, तो किस राजवंशों के द्वारा जो अजंता की कला को इसमें से प्रश्रय दिया गया या सहायता दी गई, चालुक्यों के द्वारा, पल्लव, वाकटक या गंग के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं जो कि कहाँ स्थित है, अभी आपसे ये भी पूछा था औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें दोस्तों तो ये वाकटक, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है, वाकटक, ठीक है। और ये गुफाएं जो है वाकटकों के अधीन जो है राजसी इनको संरक्षण दिया गया था, ठीक है, और उन्हीं के समय इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल करके वाकटकों के अलावा गुप्त शासक, देखिए वाकटकों का गुप्त शासकों के साथ वैवाहिक संबंध भी था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक नरेश से भी करवाए थे। तो गुप्तों के भी द्वारा जो है अजंता की जो कला है उनको प्रश्रय दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखिएगा, और अजंता की गुफाएं, ठीक है, किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो अजंता की कला है ये बौद्ध धर्म के महायान, ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये जातक कथाएं, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र कहानी। अभी हमने बताया कि भाई ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, और यहाँ पे जो जातक कथाएं ये भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म, ठीक है, या जो पिछले जन्म की कहानियां हैं, ठीक है, तो जो है जातक कथाएं, तो ये जो बेसिकली ध्यान रखिएगा अजंता के जो चित्र हैं ये विश्व में, ठीक है, चित्र की दृष्टि से विश्व में बहुत प्रथम स्थान रखती हैं। और ये गुफाएं जो है ये जातक कथाएं जो कि पुनर्जन्म की कहानियों से संबंधित है, किसके पुनर्जन्म की कहानियों से, तो यहाँ पे बुद्ध जी के पुनर्जन्म की कहानियों से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, पांडु, यहाँ पे पांडुलेरा गुफा जो है ये देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, या फिर अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो पूछा भाई बताइए, तो पहला आंसर जो है अजंता की गुफाएं जो है दोस्तों वो जो कि औरंगाबाद जिले में, ठीक है, कौन सी नदी के तट पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा ये वाघोरा नदी पे स्थित है। और इन अजंता गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया था वो दोस्तों वो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 12th century BC से लेकर के, ठीक है, कब तक कराया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कराया गया था, ठीक है, 2वीं शताब्दी से लेकर के ईस्वी पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी तक, ठीक है, 7वीं शताब्दी तक जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये चीज जो है पहला सही है। वही बात करें दोस्तों सांची का स्तूप जो है चंबल नदी घाटी पर स्थित है, ये पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा चंबल नदी घाटी पे नहीं है दोस्तों, बेतवा नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेतवा नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है, सांची का स्तूप बेतवा नदी घाटी पर है। कौन से जिले में कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और वही बात करें पांडुलेरा का जो गुफा मंदिर है दोस्तों ये नर्मदा घाटी में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा ये इनकरेक्ट है, ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है लगभग 24
ठीक है, 24 जो है गुफा श्रृंखलाओं को काट करके क्या किया गया था, मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और वहीं बात करें दोस्तों, यहाँ पे अमरावती जो है स्तूप गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है, कृष्णा, ये कृष्णा नदी घाटी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में है ये अमरावती स्तूप, और ये कृष्णा नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण करवाया गया था अमरावती स्तूप का दोस्तों, सातवाहन वंश के काल में हुआ था, ठीक है, सातवाहन काल में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, अजंता की गुफाएं, लिपाक्षी मंदिर, साक्षी स्तूप, उपयुक्त स्थलों में से कौन सा यहां से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर बनी हुई चित्र के लिए कौन से जो है स्थापत्य ये जाने जाते हैं, तो देखिए अजंता की गुफाएं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसके जो अजंता की गुफाओं को पता ही है, ठीक है, लिपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, ठीक है, तो ये जो है लिपाक्षी मंदिर है कि नहीं है, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा लिपाक्षी मंदिर पे भी लिखा गया, लेकिन सांची स्तूप में जो है अपनी भित्ति चित्रकला के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, अजंता महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात या बातें समान है। अजंता और महाबलीपुरम के बारे में पूछा है दोस्तों, ठीक है, तो ये पूछा है कि जो दोनों ऐतिहासिक स्थल है उनमें कौन सी बातें समान है, समान रूप से, तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, ठीक है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शैलीकृत स्मारक है, तो देखिए दोनों एक ही काल में निर्मित नहीं हुए थे, ये पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसको निकाल दीजिए दोस्तों, इसको निकाल दीजिए, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर हम पूछा जाए आपसे दोस्तों कि ये जो है बात करें जो अजंता के जो औरंगाबाद जिले में यहाँ पे जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है जो अजंता है, जैसा कि आपको अभी हम लोगों ने बात किया, माफ करिएगा, ठीक है, ये अजंता की पहाड़ियों में स्थित है जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि 12th century BC से लेकर के, ठीक है, 12th century BC से लेकर के 7th century BC तक जो है बीच में इनका जो है निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अजंता का, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, और ये जो है दूसरी शताब्दी में, ठीक है, किससे पहले प्रारंभ में देखा जाए दोस्तों तो ये क्या था, हीनयान से प्रभावित था, ठीक है, महायान के हीनयान धर्म से आगे चल करके, ठीक है, महायान से भी ये प्रभावित हुआ था, ठीक है, तो ये पहला गलत, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, क्या ये बात सही है, ठीक है, तो अगर हम बात करें ये दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है, एक ही से संबंधित नहीं है, वो दोनों में शैलीकृत जो है स्मारक है, शैलीकृत स्मारक, तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, दोनों में क्या है, शैलीकृत स्मारक है। देखिए यहाँ महाबलीपुरम की बात करें दोस्तों, महाबलीपुरम जो मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो कांची के पल्लव थे दोस्तों, कांची के जो पल्लव थे, ठीक है, कांची के जो पल्लव थे, कांची के पल्लव, ठीक है, उनके समय में एक शासक थे दोस्तों जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, और इनका जो है समय पीरियड लगभग कहीं कहीं पे कुछ और भी लिखा रहता है, ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हीं के समय में दोस्तों जो है एक मामल्ल्य शैली का विकास हुआ था, ये भी पूछा जाता है, मामल्ल्य शैली का विकास हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में, ठीक है, और इसके अंतर्गत दो प्रकार के जो है मंडप बने, दो प्रकार के जो स्मारक बने थे मामल्ल्य शैली के अंतर्गत, एक मंडप था, ठीक है, एक मंडप था, दूसरा एकाश्मक, ठीक है, मंदिर था, ठीक है, एकाश्मक मंदिर यानी कि एक ही पत्थर को काट करके मंदिर बनाया जाता था, इसको रथ कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो महाबली, ठीक है, यहाँ पे मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम कहते हैं, इसी मामल्ल शैली में स्थित एक शैली, ठीक है, एक स्थापत्य है, तो इसलिए दोनों किसी भी तरह से वो नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों में शैलकृत स्मारक है, ठीक है, दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची एक दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची दो दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरा वो किस राज्य में। देखिए हम्पी की जो गुफा है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक में है, ठीक है, वही बात करें नागार्जुन कोंड कहाँ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कहा, देखिए यहां से एलिमिनेशन मेथड निकालिए पहले, तो हमें सिर्फ दो और दो एक ही में मिल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नागार्जुन कोंड दोस्तों आंध्र प्रदेश में है,
ठीक है। यहाँ पे शिशुपालगढ़ की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा में। और अरिका मेडू के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात किया, पुडुचेरी में अरिका मेडू से हमें बहुत सारी चीजें जो है रोम से होने वाले व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है अरिका मेडू से, ठीक है। रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, अरिका मेडू से, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, अरिका मेडू, तो ये ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणार्क का, ठीक है, सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात के दोस्तों, किसने बनवाया था सूर्य मंदिर? तो ऑप्शन देख रहे हैं आपके सामने और देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे काला पैगोडा के भी नाम से इसको जाना जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसको नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह देव जो है वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये कब बना था? तो ये ध्यान रखिएगा 13वीं शताब्दी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 13वीं शताब्दी में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर जो है, ठीक है, विशिष्ट शैली के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे काला या फिर श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है, शौर मंदिर को, खजुराहो मंदिर को, कोणार्क परगित मंदिर को, या फिर सूर्य मंदिर को, या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को, या फिर देव मंदिर, देवगढ़ के मंदिर को? अभी मैंने बताया ब्लैक पगोडा, ठीक है, जो कि बात कर नरसिंह देव वर्मन के प्रथम जो है शासनकाल में बना था कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसे हम बात करें, इसे जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है मोडेरे का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोडेरे का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आंसर करें दोस्तों। तो यहाँ पे जो मोडेरा का सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुजरात में देखिये चालुक्य वंश था, जिसे हम सोलंकी वंश कहते थे दोस्तों, ठीक है, सोलंकी वंश कहते थे। और सोलंकी वंश का शासक था दोस्तों भीमदेव, ठीक है, भीमदेव, ठीक है, प्रथम के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? अवस्थित है भुवनेश्वर में, बीजापुर, कोलकाता, वाराणसी। जल्दी जल्दी बताइए लिंगराज मंदिर जो है कहाँ स्थित है, किस लिए फेमस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों, ठीक है, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर यहीं स्थित है। और इस मंदिर की शैली क्या है दोस्तों? नागर शैली में ये मंदिर जो है बनी हुई है, ठीक है, नागर शैली में स्थित है। और ये ध्यान रखिएगा, एक सर्वोत्तम मंदिर मानी जाती है नागर शैली में बनी हुई। और लिंगराज मंदिर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये इसका शिखर है, जो कि कितना फीट ऊंचा है दोस्तों? तो 180 फीट ऊंचा इसका शिखर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिर्फ जो बाकी क्वेश्चंस उनको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे